सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के विवादित बयान की। जी हां, विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के विवादित बयान और फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी फैक्ट्री पर पहुंचकर तोड़फोड़ की और पथराव भी किया था। लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने विदिशा में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विधायक शशांक भार्गव के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। इधर भोपाल में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी विवेक जौहरी से मुलाकात की और उन्हें पूर्व सीएम कमलनाथ का पत्र सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस के कई बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ज्ञापन में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ FIR जो दर्ज की गई है उसे रद्द करने की भी मांग की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशन पर डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिलने आया, हमारे कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव पर जानलेवा हमला किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से जो भोपाल न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव चल रहे हैं। सुधीर, कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के विवादित बयान के बाद आज दिन भर राजनीति हुई, सियासत हुई और अब जो डेरा है वो विदिशा तक जा पहुंचा। एक तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि FIR दर्ज हो और वहीं कांग्रेस की तरफ से कहना है जो FIR दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी की जो मांग है वो शशांक भार्गव को लेकर हो सकती है, लेकिन FIR उनके खिलाफ जो दर्ज हुई है उसको लेकर पूरी कांग्रेस जो शशांक भार्गव के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात करें तो विदिशा के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा धरना दिया गया था, कल जो हमला हुआ शशांक भार्गव के घर पर, उनकी फैक्ट्री पर और उनके खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश सरकार के कई पूर्व जो मंत्री थे वो विदिशा पहुंचे थे और शशांक भार्गव के साथ धरने में शामिल हुए थे। वहीं पर अगर भोपाल की बात किया तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्या जो पत्र था, जो ज्ञापन था उसको लेकर कांग्रेस के डेलीगेशन ने डीजीपी से मुलाकात की और डीजीपी से साफ तौर पर एक तरफा कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज कराया और यह कहा गया कि शशांक भार्गव के ऊपर हमला करने वाले, उनके परिवार, उनके घर पर और उनकी फैक्ट्री पर हमला करने वाले जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या फिर जो भी लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर ज्ञापन लिया गया है, पर लेकिन पुलिस की ओर से अब तक क्या संज्ञान लिया जाएगा यह स्पष्टीकरण सामने निकल कर नहीं आया, पर लेकिन कांग्रेस की यह लगातार मांग अभी तक जारी है कि जिस तरीके से हमला हुआ उसको सुनियोजित तरीका एक कांग्रेस ने बताया और आरोप लगाए गए हैं कि सरकार बदलने के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा जिस तरीके से हमला किया गया वो एक गंभीर मामला है, लिहाजा कांग्रेस इस पूरे मामले पर फिलहाल चुप बैठेगी ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रही वजह कि आज कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस के चेहरा माने जाते हैं वो पूरी तरह शशांक भार्गव के साथ खड़े होते हुए नजर आए। भोपाल में कमलनाथ और उनकी टीम ने न केवल डीजीपी को ज्ञापन दिया बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, शशांक भार्गव और जिला जो कांग्रेस थी विदिशा उसके द्वारा जो धरना आयोजित किया गया था उस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसमें शामिल हुए। ऐसे में इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा सकती है और यह माना जा रहा है कि विधायक के ऊपर जिस तरीके से उनके ठिकानों पर हमला किया गया था, उनके फैक्ट्री और घर पर हमला हुआ है, इसको कांग्रेस आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है और हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जो है आगे और भी बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करे। बिल्कुल सुधीर, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से अब क्या कुछ रणनीति सामने आती है और वहीं बीजेपी इसे कितने आगे तक लेकर के जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे तो हम आपको ये विदिशा की कल रात की तस्वीरें दिखा रही है। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के बयान के बाद जिस तरह से कल बवाल हुआ और अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें डीजीपी से आज मुलाकात की कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने और कार्रवाई की मांग की है।
और विदिशा से हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनोज, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे घटनाक्रम पर? अभी दिग्विजय सिंह विदिशा में है, हालांकि सभा खत्म हो गई है और उन्होंने बहुत आरोप लगाया शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बड़े आरोप जड़े हैं मुकेश टंडन को लेकर कि शिवराज सिंह चौहान पर सीधा आरोप लगाया कि मुकेश टंडन दलाल है शिवराज सिंह चौहान के, तो ये दलाली की जा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। उनके गुंडों का जो इस प्रकार का पक्ष शशांक भार्गव जो विधायक कांग्रेस के हैं उनके प्रति ठीक नहीं है, और पुलिस पर भी दिग्विजय सिंह के बड़े आरोप निकल के आए हैं कि अगर विदिशा की पुलिस और प्रशासन चाहता तो FIR दर्ज होनी चाहिए थी। एक तरफ इतना गुंडों जैसा काम किया गया, तोड़फोड़ की गई, इसके बाद FIR दर्ज नहीं की। दूसरी ओर भाजपा का जो आज प्रदर्शन था गांधी चौक पर, उनमें जिले के तीनों विधायक शामिल थे, पूरे मंडल पदाधिकारी थे, उन लोगों को भाजपा का ये कहना है कि शशांक भार्गव पर गैर जमानती धाराएं लगानी चाहिए। फिलहाल 294/506 का प्रकरण दर्ज है, वो भाजपा इस ओर थी कि गैर जमानती धाराएं लगाई जाए जिससे कम से कम विधायक शशांक भार्गव को समझ में आनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति किस प्रकार की अभद्रता, केंद्रीय मंत्री के प्रति इस प्रकार की जो बयान आया है वो निंदनीय है। और इसी को लेकर दोनों तरफ धरना प्रदर्शन था, और जहां तक कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में है तो शशांक भार्गव विधायक विदिशा को बड़ा बल मिला है, क्योंकि अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, PC शर्मा और RF मसूद विधायक, देवन पटेल उदयपुरा के विधायक, और ये तमाम सब दिग्विजय सिंह भी भीगते पानी के बीच में भाजपा पहुंचे और उन्होंने अपनी बात भी रखी है और सरकार को भी चेता रहे हैं, और उसी को विधायक के इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने चाइना पे भी कटाक्ष किया PM नरेंद्र मोदी की जो गतिविधि उसको भी लेके। ठीक है मनोज, आप भी नजर बना के रखिएगा, आगे क्या कुछ होता है उसकी भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल